हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको ब्रोकली मसाला रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। ब्रोकली की भाजी के लिए ये मैंने 1.5 किलो ब्रोकली लिया है। इसको हम पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे और छोटे छोटे पीस में काट के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ब्रोकली को छोटे छोटे पीसेस में काट के रेडी रख लिया है। उसका स्टेम को भी मैंने काटा है। स्टेम भी बहुत हेल्दी है तो हम फेंक नहीं सकते इसको, इसलिए मैंने काट लिया है। जैसा कि हम सबको मालूम है, ब्रोकली बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है, लेकिन बहुत जन को इसका बनाने का सही तरीका नहीं मालूम है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाने का है इसको। एक कढ़ाई में मैंने 2-3 कप पानी ले लिया है। इसको पहले हम गर्म कर लेंगे, अच्छा बॉयल होने लगेगा तो इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और उसके बाद में ब्रोकली को 2 मिनट के लिए इसमें ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारा पानी अच्छे से बॉयल होने लगा है। अब हम इसमें 1/2 स्पून के आसपास नमक डाल देंगे और थोड़ा नमक मेल्ट होने देंगे इसमें, और उसके बाद अब जो हमने ब्रोकली कट करके रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और स्टोव बंद कर देंगे। इससे इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो सब मर जाएंगे और थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा ब्रोकली। ये देखिए, 5 मिनट हो गया है। अभी ब्रोकली को हम पानी में से निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने ब्रोकली को पानी में से निकाल के रख लिया है। अब इसका मसाला देख लेंगे हम। ये मैंने एक कांदा लिया है जिसका मैंने बारीक काट के रख लिया है। ये मैंने 8 से 10 कलियां लहसुन की ली है जिसका मैंने ग्रेट कर लिया है। आप इसका पेस्ट भी बनाकर ले सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है। 1/2 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है। जीरा और राई मैंने बघारने के लिए लिया है। 1/4 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। और एक टमाटर मैंने मीडियम साइज का बारीक चॉप करके रख लिया है। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच तेल लिया है। सबसे पहले इसमें हम राई डाल देंगे, अभी जीरा डाल देंगे। जीरा राई क्रैकल हो गया है, अभी हम इसमें कांदा डालेंगे। कांदा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, कांदा लाल हो गया है। अभी हम इसमें जो लहसुन ग्रेट करके रखा है वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अभी जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करेंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। और थोड़ा मसाला फ्राई कर लेते हैं थोड़ा टाइम के लिए, 10-15 सेकेंड के लिए। और अब इसमें हम टमाटर जो चॉप करके रखा है वो ऐड कर देंगे। मैश होने तक पका लेंगे। देखिए, हमारा टमाटर मैशी हो गया है, थोड़ा सा गल गया है टमाटर। अभी इसमें हम ब्रोकली ऐड कर देंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे। जो कड़ी पत्ता है वो ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें नमक टेस्ट के अनुसार डाल देंगे। और इसको मिक्स कर देंगे और 1/2 कप पानी हम इसमें डाल के इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। ये ब्रोकली मैंने मसाला में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अभी इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी।
और इसको ढक के 5 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। ये देखिए हमारे ब्रोकली के भाजी बन के तैयार हो गई है। ब्रोकली पक गया है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी हम इसको हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। भाजी हमको ज़्यादा पकाने का नहीं है, इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई खाया जाता है भाजी को। ये देखिए हमारा हेल्दी ब्रोकली का भाजी बनके तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है और बहुत टाइम भी नहीं लगता है इसको पकने के लिए, और बहुत इजी है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको इस तरीके से ज़रूर बना के देखें और आप इसको रोटी राइस के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। ब्रोकली भाजी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।